एंड वेलकम टू शेम गेम्स। सो इतने सारे डीप एनिमेज के बाद आई थॉट कि कुछ हार्ट वार्मिंग और लाइट लाया जाए। ऊपर से दिल्ली का मौसम भी ऐसा है, आपको चिड़ियों की आवाज़ भी मेरे माइक पर रेगुलर सुनाई दे सकती है। सो आज हम एक एनिमे मूवी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है होतारू नो मोरी ई, जिसका इंग्लिश नेम है टू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाई लाइट्स। ये बस 1 आवर की मूवी है और काफ़ी क्यूट एंड हार्ट वार्मिंग है। सो अब बकवास करते हैं बंद, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी शुरू होती है और हम जापान में समर टाइम देखते हैं। एक टीनेज लड़की होतारू घर से बाहर जाने की तैयारी कर रही थी और उसके पीछे से उसकी माँ उसे समर वाली हीट से बचने के लिए कहती है। देन हम उस लड़की की वॉइस सुनते हैं और एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं। ये लड़की हर समर अपने अंकल के घर, जो कि शहर से दूर जंगल के करीब था, एक गाँव में वहाँ पे जाया करती थी। सालों पहले जब होतारू 6 साल की एक छोटी सी बच्ची थी, वो ऐसे ही समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए अपने अंकल के घर गई हुई थी। एंड क्योंकि अंकल का गांव जंगल के पास था, वो खेलते खेलते जंगल के अंदर चली गई थी और वहां खो गई थी। तब उसको अपने अंकल की बातें याद आती है जिसमें अंकल ने उसको बोला था कि वो जंगल से दूर रहे, क्योंकि गांव में एक बात फैली हुई थी कि ये जंगल हॉन्टेड है और यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिट्स रहते हैं। तो ये सारी बातें याद करके छोटी होतारू और घबरा जाती है और रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर एक टीन लड़का जिसका नाम जिन है वो वहाँ आ जाता है। इस लड़के ने एक मास्क लगा रखा था और वो होतारू की मदद के लिए आगे आ जाता है। जंगल में एक इंसान को देखकर होतारू और एक्साइटेड हो जाती है और वो जिन को हग करने के लिए आगे बढ़ती है। सो जिन उसको डॉज कर देता है एंड होतारू को बताता है कि जिन एक इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक स्पिरिट है और जिन की तरह ही इस जंगल में और भी बहुत सारे स्पिरिट रहते हैं जिनको माउंटेन गॉड ने उस जंगल में जगह दी हुई है रहने के लिए। इसके साथ ही जिन ये भी बताता है कि वो एक ऐसा स्पिरिट है जो ह्यूमन टच से ख़त्म हो जाएगा, यानी होतारू उसको कभी भी टच नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो जिन विल बी फिनिश्ड। लाइक जिन एक स्पिरिट है, सो जिन विल नॉट die but Jin will disappear and that means Jin will cease to existence, यानी जिन की existence ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद उसको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए जिन होतारू को एक स्टिक पकड़ाता है जिसका एक एंड जिन पकड़ता है और दूसरा साइड होतारू पकड़ती है एंड ऐसे ही जिन होतारू को उस जंगल से बाहर की तरफ गाइड कर देता है। ऑल्दो जिन एक स्पिरिट था, फिर भी होतारू उससे नहीं डरती और होतारू की ये बहादुरी देखकर जिन उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। सो होतारू जिनको अगले दिन मिलने की बात बोलकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे होतारू घर से कुछ स्नैक्स लेकर जिन से मिलने आती है। ये चीज़ और थी क्योंकि एक तरफ जिन को उम्मीद नहीं थी कि होतारू वापस आएगी, स्टिल जिन उसका वेट कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ होतारू को ये उम्मीद नहीं थी कि जिन वहाँ उसका वेट करेगा, बट स्टिल होतारू वहाँ उससे मिलने आती है। देन दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर जिन होतारू को जंगल में डीप स्ट्रॉल के लिए ले जाता है। जंगल में डीप जाकर उस जंगल की ब्यूटी से होतारू काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है एंड शी वॉज हैप्पी टू प्ले अराउंड विद जिन। वहाँ हम एक स्ट्रेंज सी चीज़ देखते हैं, जो जंगल के दूसरे स्पिरिट थे वो आकर होतारू को वार्न करते हैं कि गलती से भी अगर होतारू ने जिन को टच किया तो वो स्पिरिट होतारू को पनिश करेंगे। बाद में हमें ये चीज़ रिवील होती है कि वो स्पिरिट ऐसा बस इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो स्पिरिट जिन से बहुत प्यार करते थे और वो होतारू को हर मुसीबत से बचाए रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि होतारू की वजह से जिन किसी भी परेशानी में पड़े या उसकी जान पर आफत आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि होतारू जिन को ये बताती है कि वो यहाँ पे बस अपने अंकल के यहाँ रहने आई हुई थी और अब होतारू के समर वेकेशन जो है वो ख़त्म होने वाले हैं, इसलिए अब होतारू को वापस शहर जाना होगा। लेकिन वो जिन को प्रॉमिस करती है कि अगले साल समर वेकेशन में होतारू फिर से वापस यहाँ आएगी और जिन से रोज मिलेगी, रोज उसके साथ खेलेगी। इसके बाद हर साल होतारू समर वेकेशन में जिन से मिलने आती है। पूरे वेकेशन में कोई एक दिन ऐसा नहीं होता जब होतारू जिन से ना मिले। एक नोटिसेबल चीज़ यहाँ ये थी कि होतारू जिस हिसाब से बड़ी होती जा रही थी, जिन की एजिंग प्रोसेस उससे काफ़ी स्लो थी। होतारू जब भी बड़े ग्रेड में हो जाती थी वो जिन को अपनी स्कूल यूनिफॉर्म ज़रूर दिखाती थी। ऐसे ही साल दर साल गुजरते रहे और होतारू हर समर जिन से मिलने आती रही। एक स्ट्रेंज बात यहाँ और थी कि इतने सालों में होतारू उस छोटी बच्ची से अब एक बड़ी टीनेज लड़की बन गई थी, लेकिन जिन आज भी वैसे का वैसा ही दिखता था। असल में एक स्पिरिट होने की वजह से जिन बड़ा तो हो रहा था, पर जिन के बड़े होने का जो प्रोसेस था वो होतारू से काफ़ी ज़्यादा स्लो था। अब होतारू भी सोचने लगी थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही होतारू जिन से ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब होतारू रेगुलर की तरह स्कूल जाती है, बट वी सी होतारू काफी खोई खोई सी रहती थी और कोई एक ऐसा दिन नहीं होता था जिसमें होतारू ने जिन को याद ना किया हो। सो होतारू अब एक यंग एंड स्मार्ट लड़की हो चुकी थी। देयर वर गाइज इन हर क्लास जो होतारू से अट्रैक्टेड थे एंड बीच के कुछ सीन्स में वी सी बॉयज ट्राइंग टू बी फ्रेंड विद होतारू, लेकिन होतारू का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ जिन में ही था। ऑल दिस टाइम जब भी कोई होतारू को टच करता था वो सिर्फ जिन के बारे में सोचने लगती थी। वी कैन सी सो मच लव बिटवीन दीज टू। जिन भी होतारू को पसंद करने लगा था। नाउ कम्स समर अगेन और होतारू जिन से मिलने अपने अंकल के यहाँ आती है। होतारू अब एक हाई स्कूल स्टूडेंट बन गई थी। सो वो जब यहाँ समर वेकेशन में आती है वो जिन को अपनी हाई स्कूल यूनिफॉर्म दिखाती है। जिन होतारू को देखकर काफी खुश हो जाता है और होतारू अब काफी अट्रैक्टिव भी लगने लगी थी। सो जिन होतारू को अपने बारे में और डीपली बताता है कि आखिर वो कैसे एक माउंटेन स्पिरिट बना। सो जिन के पेरेंट्स ने उसको जंगल में अकेला छोड़ दिया था और एक दिन अचानक से इन स्पिरिट्स को एक रोता हुआ बच्चा जंगल में मिला। उस बच्चे को बचाने के लिए माउंटेन गॉड ने खुद उसको स्पिरिट में कन्वर्ट करके एक ब्लेसिंग दी, लेकिन उस ब्लेसिंग के बदले जिन अब किसी इंसान को टच नहीं कर सकता था। वीसी होतारू एक्साइटेड होकर जिन को बताती है कि जल्दी ही होतारू ग्रेजुएट जब हो जाएगी तो वो यहाँ पे गांव में ही जॉब ढूंढ करके परमानेंट शिफ्ट होने का सोच रही है और जब वो ऐसा कर लेगी तो वो जिन के करीब रह सकती है हमेशा हमेशा के लिए और रोज जिन से मिलने आ सकती है। दोनों को पता था कि इस रिलेशन में दोनों के अपने अपने लिमिट्स हैं जो वो दोनों ही क्रॉस नहीं कर सकते, बट स्टिल दे लव्ड ईच अदर सो मच। इसके बाद जिन होतारू जंगल में होने वाले फेस्टिवल के बारे में बताता है। इस फेस्टिवल में स्पिरिट्स हिस्सा लेते हैं और मोस्टली स्पिरिट मास्क पहनते हैं ताकि वो अपनी पहचान छुपा सकें। ये फेस्टिवल किसी इंसानी फेस्टिवल के जैसा ही होता है, छोटे छोटे गेम्स और एक बड़ा सा मेला जिसमें लोग आते हैं, खाते हैं, खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं। फेस्टिवल के एंड में एक बॉन फायर जैसा बड़ा सा फायर इग्नाइट किया जाता है जो कि ये सिग्निफाई करता है कि फाइनली फेस्टिवल एंड हो गया। फेस्टिवल में एक साथ रहने के लिए और घूमने के लिए जिन होतारू के हाथ में एक कपड़े का टुकड़ा बांध देता है ताकि कहीं गलती से भी होतारू फेस्टिवल में गुम ना हो जाए। होतारू ये सब देखकर काफ़ी क्यूट लगता है उसको, बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक अ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड थिंग। सो ये फेस्टिवल की रात दोनों साथ में खूब एंजॉय करते हैं। हैप्पी मोमेंट्स एंड हैप्पी नाइट। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, सब कुछ ब्राइट सा था, रोशनी प्यार हर तरफ फैला हुआ था। सो फेस्टिवल एंड होने के बाद जिन होतारू को वापसी में अपने दिल की बात बता देता है एंड फाइनली इसके बाद वो अपना मास्क निकाल कर होतारू के फेस पर लगाता है और उस मास्क पर किस करता है, जस्ट लाइक किसिंग होतारू ऑन हर स्किन। ओह डियर, दिस वाज सो क्यूट क्यूट एंड हैप्पी मोमेंट्स जस्ट बिफोर द ट्रैजिक इंसिडेंट। इसके बाद कुछ बच्चे फेस्टिवल एंजॉय करके वहाँ से वापस जा रहे होते थे कि एक बच्चा ठोकर खा के गिरने वाला होता है कि तभी उसको जिन पकड़ लेता है। देन वो बच्चा तो चला जाता है, बट वी सी जिन स्टार्टेड डिसअपियरिंग इनटू द थिन एयर। यानी वो बच्चा कोई स्पिरिट नहीं बल्कि एक इंसानी बच्चा था। इस मोमेंट पर जिन होतारू को बोलता है कि फाइनली दे कैन हग ईच अदर। जिन के फेस पर अलग सी ही स्माइल होती है और आंखों में आंसू होते हैं। वीसी के कुछ ही पलों में जिन होतारू की बाहों में ही गायब हो जाता है एंड बस जिन के कपड़े वहां पे रह जाते हैं। इसके बाद जंगल के सारे स्पिरिट्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो होतारू को समझाते हैं, देन उसको थैंक्स भी बोलते हैं क्योंकि जिन आखिर था तो इंसान ही और उसके अंदर इंसानी फीलिंग्स भी थी। वो हमेशा से इंसानों के साथ रहना चाहता था और उनके फीलिंग्स को फील करना चाहता था एंड फाइनली होतारू की वजह से एटलीस्ट एंड टाइम में जिन उन फीलिंग्स को महसूस या एक्सपीरियंस करके दुनिया से गया था। इसके साथ ही वो रात वहीं पे खत्म हो जाती है एंड दिस ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद भी होतारू अपने अंकल के घर हर समर जाना कंटिन्यू रखती है एंड वो जंगल भी रेगुलरली जाती रहती थी। अब हम एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो क्या सच में जिन ने अनजाने में ही उस लड़के का हाथ पकड़ लिया था? आई डोंट थिंक सो, कॉज एंड आते आते हम बहुत सारे हिंट्स ऐसे मिलते हैं जिनमें जिन होतारू से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगा था, एंड वी सी वो होतारू को टच भी करने के लिए क्रेव होने लगा था। सो जिन को जब होतारू ने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया, वी सी जिन वॉजंट दैट हैप्पी, बिकॉज जिन भी होतारू से प्यार करता था एंड ही नोज़ कि होतारू अपना फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज कर रही थी बिकॉज ऑफ जिन। होतारू अपनी लाइफ फुल्ली नहीं जी पा रही थी बिकॉज ऑफ जिन, एंड अगर ये चीज़ें कंटिन्यू होती रहीं तो होतारू आगे भी अपनी लाइफ को फुल्ली नहीं जी पाएगी। विद दैट जिन ऑल्सो वॉन्टेड टू टच होतारू, सो वो डायरेक्टली अगर होतारू को टच करता तो होतारू उसको ऐसा कभी करने ही नहीं देती। सो जिन ने उस बच्चे को पकड़ लिया जिसकी वजह से होतारू को फाइनली टच कर पाया, उसको हग करके उसकी बाहों में डिसअपियर हो सका। दिस इज़ एवरीथिंग व्हाट जिन वांटेड, एंड दिस वाज द ओनली थिंग जो होतारू के लिए भी बेनिफिशियल था। सो दिस इज़ इट गाइज, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, और अगर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं ऐसे और स्मॉल एक्सप्लेनेशन लाऊं या नहीं। ऑल्सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो डू सब्सक्राइब गाइज, इट हेल्प्स अ लॉट। सो विद दिस अब हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो या बाय।